सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अंतिम की शूटिंग शुरू हो चुकी है क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें कहाँ ये शूट चल रहा है और क्या है अंतिम की ट्लाइन हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्रह स्टूडियोज में हूँ सोनिका जाल बात करेंगे अंतिम की जिसका नाम पहले गन्स ऑफ नॉर्थ था और अब अंतिम रख दिया गया है और इसमें सलमान खान और आयुष शर्मा नज़र आने वाले हैं आप सभी जानते हैं आयुष शर्मा सलमान खान के जीजा जी हैं और दोनों ने ही अपनी बॉडी में अच्छा खासा काम किया हुआ है जो आयुष शर्मा का ट्रांसफॉर्म है लव यात्री से और अब तक वो काबिल तारीफ है और दिवाली के बाद एक बार फिर से उन्होंने जम हिट किया क्योंकि उनको बॉडी एकदम परफेक्ट बनानी है और सल्लू भाईजान से टक्कर लेंगे तो बॉडी तो होनी चाहिए ना लेकिन ये दोनों जब टकराएंगे तो आपको लगेगा कि ये कांटे की टक्कर है क्योंकि कमाल का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आयुष शर्मा का और ऐसे में आयुष शर्मा की जो वाइफ है अर्पिता खान उन्होंने पोस्ट लिखा है कहा है कि रोल कैमरा एक्शन ऑल द वेरी बेस्ट माय लव यानी कि उन्होंने भी आ, हरी झंडी दिखा दी है और कहा है कि आप सफल हो जो भी करने जा रहे हैं और एक कैमरे की तस्वीर शेयर की है और लिखा गया है अंतिम शूट हैज़ बिगन यानी कि अंतिम का जो है शूट शुरू हो गया है और साथ ही आपको बता दें जैसे कि राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई तो योर मोस्ट एड वॉन्ट भाई टैगलाइन दिया गया वैसे अंतिम को भी टैगलाइन दिया गया अंतिम फाइनल ट्रूथ तो बहुत ही ज्यादा भयंकर ये कहानी होने वाली है आयुष शर्मा इसमें गैंगस्टर होने वाले हैं और हमारे चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान पुलिस वाले के किरदार में नजर आने वाले हैं साथ ही ये जो किरदार है वो एकदम हटके होने वाला है वैसे तो वो बहुत सारे किरदार ऐसे कर चुके हैं लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला है वहीं आपको बता दें इस फिल्म की शूटिंग पुणे में चल रही है पुणे पवेलियन और इसके अलावा भी और जगह है पुणे की जहाँ पर ये शूटिंग चलनी है तो अगर आप क्रू से मिलना चाहते हैं शूटिंग देखना चाहते हैं तो पुणे की इन जगहों में जा सकते हैं वहीं इस फिल्म में सलमान खान के लुक को लेकर भी काफ़ी बातें की जा रही हैं क्योंकि महेश माजरेकर जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं और आपको सल्लू भाई जान के साथ दबंग में भी नजर आए थे सोनाक्षी सिन्हा के फादर का किरदार करते हैं तो इन्होंने कहा है कि इस बार सलमान खान का जो लुक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है और उनके लुक में बहुत ज़्यादा इसमें काम किया जा रहा है वैसे तो सलमान खान हर फिल्म में जो अपना लुक रखते वो लगभग सेम ही होता है लेकिन अब अगर कुछ अलग तरीके का लुक सामने आता है सलमान खान का तो वो भी देखने वाली बात होगी और लॉकडाउन के चलते कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई है आपको पता है लेकिन अगला साल जो होने वाला है वो बेहद ख़ास होने वाला है और सलमान भाईजान की फिल्मों से भरा पड़ा होने वाला है तो दोस्तों आप हमें बताइए कि अंतिम में कितना इंतज़ार है फिल्म का इसमें फाइटिंग सीन्स होने वाले उसका कितना इंतज़ार है और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को